क्या कुछ कंफ्यूज है, कुछ परेशान है, क्या चल रहा है दिमाग में कुछ? जी जिया थोड़ी परेशान है क्योंकि ऑफ कोर्स उसकी लाइफ में रानो नाम की मुसीबत आ गई है जो उसमें और अर्जुन में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही है और हो भी रही है, और अर्जुन जिया से नाराज़ हो रहा है, तो इसीलिए बेचारी दुखी है, परेशान है, रो रही है। आपकी परेशानी को और डबल कर रहे हैं, रानो भी पहुंच जाती है। वो डबल तो ऑलरेडी है, वो ट्रिपल कर देती है, चार गुना कर देती है, तो हाँ जीतती जा रही है वो हर कॉम्पिटिशन में जिया से, और जिया पीछे रह जाती है क्योंकि ऑफ कोर्स रानो चाले चल रही है, तो बट उसका नाम गुड बुक्स में से निकल रहा है माँ के, तो शी इज़ अपसेट। इस बार क्या कर रहे हैं, कुछ फायर वायर लेके कुछ आ रही है आपको, उसे दिखा रही है, जला रही है? जला रही है क्योंकि इससे पहले उन्होंने कुछ किया होता है जिसकी वजह से फिर मैं एक कॉम्पिटिशन में हार जाती हूँ और अगेन वो जीत जाती है और उसको माँ पायल देती है, तो वो आके मुझे दिखा रही है और जला रही है कि देखो तुम फिर हार गई। कब तक जिया ऐसे देखते रहे, जिया कोई नई चाल चलेगी या फिर ऐसी? अब जिया को क्योंकि समझ में आ गया कि ये सीधी उंगली से मानने नहीं वाली है, ये ऐसे ही गंदी हरकतें करेगी, तो नाउ जिया विल कम अप विद समथिंग, और आगे आपको पता चलेगा कि अब वो बोलेगी कि नाउ टिट फॉर टैट। थैंक यू।